आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं जी मज़ेदार किस्म के कोफ्ते अंडे तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी क्यों ना शेयर की जाए बहुत ही हम इसको आसान तरीके से बनाएंगे जो न्यू कोफ्ता बनाने वाले उनका अक्सर कम्प्लेन होती है जी हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं या कोफ्ते हमारे फट जाते हैं तो इन श्ला ऐसी सी कम्पलेन अब आपको नहीं आएगी तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ले लिया था मैंने मटन का कीमा ठीक है ये कीमा जो था ना ये चर्बी वाला कीमा था वो ले लिया है मैंने यहाँ पर साथ ही इसको कीमे को मैंने डाला है मिक्सी में एक ब्रेड का स्लाइस डाला है एक प्याज डाला है मोटा मोटा काट कर तीन से चार अदद मैंने इसमें डाली हैं हरे मिर्चें ठीक है अब यहाँ पर डाल रहे हैं हम जी नमक हंसपे जरूरत और जो हमने ब्रेड डाली है ना ब्रेड डालने का मकसद यह है कि यहाँ पर कोफ्ते बनेंगे आपके बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे मतलब जुट जाएंगे साथ ही हमने डाला है यहाँ पर सूखा धनिया का पाउडर तकरीबन दो बड़े चम्मच एक चम्मच मैंने इसमें डाली है तकरीबन लाल मिर्च का पाउडर और हाफ मैंने टीस्पून डाला है इसमें जावेत्री पाउडर ठीक है तो इससे जो है ना कोफ्तों की खुशबू बहुत अच्छी आती है अगर आप नहीं पसंद करते जावित्री अगर नहीं है आपके पास तो इसको स्किप आउट भी कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने मिक्सी चलाई थी और किमें आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त टेक्स्चर हो गया कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल मलाई की तरह टेक्स्चर हो गया तो इस टेक्स्चर के मैंने बना लेने हैं जी इस तरीके से कोफ्ते थोड़ा सा हाथों में मैंने पानी लगाया और ये देखें जी ज़बरदस्त से इस तरीके से गोल गोल कोफ्ते हमारे हो जाने हैं जी तैयार ये देखें इस तरीके से कोफ्ते बना लिए कोफ्ते बनाने के बाद मैंने क्या किया है जी यहाँ पे कोफ्ते बना कर तो मैंने इसको फ्राई पैन में डाल दिया था साथ साथ ही तो फ्राई पैन में डालने के बाद हल्का सा मैंने तकरीबन एक से डेढ़ चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला था क्योंकि ऑलरेडी इसमें चर्बी बहुत ज़्यादा थी कीमे में तो ये अपना ऑयल भी अच्छा खासा छोड़ देंगे तो यहाँ पर बस मैंने इनको शेलो फ्राई फ्राई करना है कि मतलब हल्का सा टॉस करना और ये अपने पानी में ही पकेंगे तकरीबन इनको मैंने हाई फ्लेम पर कुक किया था पहले लो फ्लेम पर कुक किया फिर तकरीबन पाँच मिनट उसके बाद दस मिनट मैंने इनको हाई फ्लेम पर कुक किया इसके बाद यहाँ पर हमने इनको तैयार करके साइड पर रख लिया अब यहाँ हमने लिए हैं दी अंडे अंडों को करें बॉयल उनके अंदर डाला है जी नमक को रखते हैं बॉयल करने के लिए यहाँ पर अब हमने क्या किया है दी यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ यहाँ पे हमने लिए है एक देश की उसमें डाला है हमने तकरीबन डेढ़ कप के करीब ऑयल तीन से चार अदद मैंने इसमें लॉन्ग डाल दी हैं दो से तीन अदद मैंने इसमें डाली है बड़ी इलायची और यहाँ पर अब हमने डाला है जी इसके अंदर यहाँ पे हमने जो है ना लहसुन एक तकरीबन पाँच से छः अदद तुरियाँ और जो है इसमें तीन अद प्याज़ और दो अद टमाटर डाल के ग्राइंड कर लिया था पेस्ट बना लिया था वो मैंने डाला है उसकी बुनाई कर ली है बुनाई करने के बाद जब उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो ऑयल ऊपर आ जाएगा उसके बाद डालने में हम जी हमने यहाँ पर मसाले एक चम्मच जीरा डाला है इसके बाद डाला है जी इसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद तकरीबन डेढ़ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है इसमें हमने डाला है जी जीरा पाउडर तकरीबन दो चम्मच छोटे वाले और साथ ही डाल दिया था जी हमने इसमें नमक नमक डालने के बाद इसमें जाएगा जी हमारे पास यहाँ पे हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर हमने इसमें डाला है तकरीबन आधे चम्मच के करीब ये मसाले आपने डालने हैं और इसके बाद एंड पे जो आएगा ना हमारा वो आएगा जी ज़ीरा पाउडर ठीक है हमने डाल दिया सूखा धनिया पाउडर डाल दिया ज़ीरा पाउडर डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया नमक डाल दिया हल्दी डाल दी ये सब मसाले डाल के हमने अच्छे से इसको कर लेना है मिक्स और इसके मसाले को हमने भून लेना है तो मसाले के ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर डाल देने हैं जी कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे थे तो यहाँ पर मैंने

ज़बरदस्त हो गई थी बहुत ज़्यादा पतला शोरबा भी नहीं अच्छा लगता कोफ्तों के सालन का तो यहाँ पे हो गए थे कोफ्ते तैयार मैंने डाला जी इसके ऊपर तीन अदर हरी मिर्ची और इसको लगाया था दम पे माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गए थे तैयार अब यहाँ पे हमने उबले हुए अंडे इसमें डाल दिए हैं अंडे डालने के बाद इसको मैंने हल्का सा करना है जी मिक्स क्योंकि अंडों को तो हमने आ, जो है वो ऐसे ही सालन के साथ कोफ्ता लगा कर खाना है तो फिर ये हो गए जी हमारे तैयार अंडे पहले से तैयार थे कुक भी थे तो यहाँ बना मज़ेदार से सालन आप भी बनाए अपने प्यारों को खिलाएं